नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की विशेष रिपोर्ट। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 100 दिन के कार्ययोजना में शामिल माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 4 बिंदुओं पर सूचना देने वाले 44 स्ववित्त पोषित विद्यालयों का भौतिक सत्यापन राजकीय विद्यालय के प्रवक्ताओं ने की। दो विद्यालय बंद मिले जिनके मान्यता निरस्त प्रत्याहरण करने की संतुष्टि की गई है। DIOS ने रिपोर्ट UP बोर्ड को भेज दी है। इस प्रकार कार्रवाई की जद में 29 विद्यालय आ गए हैं। अब इन विद्यालयों के प्रबंधकों को माध्यमिक शिक्षा परिषद नोटिस भेजेगा, जिसका अभिलेख सहित स्पष्टीकरण न देने पर कार्रवाई सुनिश्चित कर दी जाएगी। जनपद के कुल 753 माध्यमिक विद्यालयों में 23 राजकीय, 97 वित्त पोषित और 633 स्ववित्त पोषित हैं। इनके प्रबंधक और प्रधानाचार्य को कई बार नोटिस जारी कर 15 जुलाई तक आवश्यक सूचना देने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें राजकीय वित्त पोषित और 606 स्ववित्त पोषित विद्यालयों ने वेबसाइट पर कक्षा 12 तक के छात्र छात्राओं की ईमेल ID, स्कूल में मौजूदा संसाधनों की मैपिंग और पेज पर अपलोड करने का कार्य पूरा कर लिया, लेकिन 27 ने रुचि नहीं दिखाई। 17 स्ववित्त पोषित माध्यमिक विद्यालयों ने काफी दबाव के बाद अंतिम दिनों में वांछित सूचना पोर्टल पर अपलोड की, जिससे बोर्ड को समय से प्रेषित नहीं किया जा सका। जिला विद्यालय निरीक्षक उमेश चंद त्रिपाठी ने बताया कि शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों में जुड़ी सूचना देने में 44 स्ववित्त पोषित विद्यालयों के प्रबंधक व प्रधानाचार्यों ने उदासीन है, जिसमें 27 तो बिल्कुल ही रुचि नहीं दिखा पाए। भौतिक सत्यापन में 2 विद्यालय बंद मिले जिनकी मान्यता निरस्त करने की संतुष्टि करते हुए रिपोर्ट यूपी बोर्ड को भेज दी गई है। और शिक्षा विभाग से भी पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं और उनके कुशल नेतृत्व निर्देशन में परीक्षाएं चल रही हैं। जो विद्यालय संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस जनपद में शिक्षा के माहौल को प्रतिकूल दिशा में ले जाने वाले कुछ ऐसे विद्यालय जो बिना मान्यता प्राप्त हैं उन पर FIR दर्ज किए गए हैं और एक थाने वाइज लिस्ट तैयार की जा रही है, ताकि संबंधित थानों को ये सूचना हो कि उनके विद्यालय में संगठित अपराध के रूप में किस तरह से कोई शिक्षण संस्था बिना मान्यता के संचालित करता है और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। इसको हाँ, हमने कार्यवाही की भी है, संबंधित थानों में FIR भी हुआ है और हम थाने वाइज लिस्ट बना रहे हैं जो मान्यता प्राप्त वास्तविक विद्यालय हैं और आम जनता को जागृत भी कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से जागृत भी कर रहे हैं कि वो मान्यता प्राप्त विद्यालयों में ही अपने बच्चों को प्रवेश दिलाएं। फर्जी लोग जो बिना मान्यता के हैं वो हमारी मान्यता प्राप्त विद्यालयों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, व्यवस्था में दुर्व्यसन कायम कर रहे हैं और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जा रही है। वो आम जनता को गुमराह करके विद्यालय मान्यता प्राप्त के नाम पर फीस ले रहे हैं, बहुत सारा लाखों करोड़ों रुपए ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जो एक सामाजिक गबन है, सामाजिक धन का गबन है और आम जनता के साथ धोखाधड़ी है। तो इसको जो हम लोग विशेष रूप से नजर लगाए हुए हैं। कोचिंग संस्थाएँ जो बिना मान्यता की कोचिंग संस्थाएँ जो बिना रजिस्ट्रेशन की कोचिंग संस्थाएँ, इन पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि जो नॉन रजिस्टर्ड हैं इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए और कोचिंग संस्थाएँ नियमों के अंतर्गत चलें। शिक्षा विभाग के शिक्षकों का प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से कोचिंग संस्थाओं से जुड़ना अपराध की श्रेणी में आता है, तो ऐसे संकेत दे दिए गए हैं कि शिक्षक पढ़ाने के कार्य में लगें और सभी बेहतर वातावरण सृजन करने की दिशा में अपना प्रयास करें। सभी पढ़ाएं, समय से आएं जाएं, कार्यालय आने की किसी को जरूरत नहीं है। जिसकी कोई समस्या है टेलीफोन से भी बता सकता है, जिस समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने का संगठित सृजनात्मक जो एक नियोजित प्रयास किया जा रहा है। जन सुनवाई कक्ष हमारे कार्यालय में यही जन सुनवाई कक्ष है, 1 घंटे प्रतिदिन जन सुनवाई होगी, उस बीच में जिसकी भी समस्याएं होंगी उसका समाधान किया जाएगा। शेष निरीक्षण और परीक्षण का कार्य लगातार हमारे जिलाधिकारी कुशल जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में चल रहा है और पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन पूरी तरह से शैक्षणिक सुव्यवस्थापन में बिल्कुल उसके लिए कटिबद्ध है। हम सब उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके इस काम को कर रहे हैं। उसमें 9 से 12 की फर्जी कक्षाएं चलाई जा रही थी। पब्लिक को ये कहा गया कि मान्यता प्राप्त है, पब्लिक से गुमराह कर उसकी फीस कलेक्ट की जाती है और वो 9 से 12 की जो विद्यार्थी हैं वो कहीं मान्यता प्राप्त संस्थाओं से संबद्ध होते हैं, तो अब उनकी उसकी भी खोज हो रही है। ऐसे कौन से विद्यालय हैं जो वहाँ के बच्चों का एडमिशन लिए हैं, तो उनके खिलाफ भी अगले स्टेप में कार्रवाई होगी। फिलहाल वो गलत वो पब्लिक के धन को इकट्ठा कर रहे हैं
और इस नाम बिना मान्यता के वो ले रहे हैं। एक तरह से वो कोचिंग संस्था भी नहीं है, न मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। तो हमारे मान्यता प्राप्त स्कूलों में एक दुर्व्यवस्था व्याप्त हो रही है और हमारी व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह लगाने का प्रयास करें। हमारी व्यवस्था पर, शैक्षणिक व्यवस्था पर जो प्रश्नचिन्ह लगाएगा तो उसको किसी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा और ऐसे माफियाओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। वो किसी भी तरह से उनको कोई ढील नहीं देनी चाहिए। कुछ लिस्ट आपके पास है इस तरह की? हम लिस्ट कलेक्ट करें, हम थाने वाइज लिस्ट कलेक्ट करें और बहुत जल्दी ही इन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो भी इस तरह से पाए जाएंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा, कठोर कार्रवाई की जाएगी और स्वच्छ शैक्षिक प्रशासन नेतृत्व देने का प्रयास हम जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में कर रहे हैं। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।